हेलो जी, राम राम भी सारा ने स्वागत है थारो हमारा एक नए ब्लॉग में। जी को नाम है पूजा प्रमजीत पूनिया की। हम तो सारा जना मैं उम्मीद करूँ कि अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। और आजकल तो मेरे जी यहाँ काम में भी व्यस्त होगा क्योंकि दीपावली के साफ सफाई चल रही है जोरों शोरों से। और आठ मैं लाग गई हूँ फ्रीज साफ करने, तो मैं फ्रिज के अंदर जी दिन आई भी दिन को पूरा सामान फ्रिज के अंदर यहाँ को यहाँ पॉलीथीन में बांध देड़ी रखी और मैं देखी भी होनी। हाँ, सेब वगैरह तो जरूर मैंने भूख लाग थी निकाल ली थी खा ली थी, पर आलस तो भी हो रही। और दूसरी बात मैं ये सोच रही कि अगर सब्जी वगैरह धो के रखूँगी तो कल फ्रिज साफ करके फिर ही रख दूँगी। तो यहाँ करते करते हैं 3 दिन निकल गया। और आज मैं देखी कि घर आऊँ करेला लेके आया रामदेव जी, जो कि आधा तो सड़ चुका ही और आधा बचा है, तो अनाज छाँट के मैं देखाऊँगा सब्जी बना लेंगे। और बाकी अब मैं ढूंढ रही हूँ कि सफाई पहले करूँ के बाद मैं करूँ फ्रिज ने मैं अंदर साफ़ करने की सोच रही, तो फ्रिज को गेट रुक रहे कौन हो, तो मैंने जो जाली सी है लगा के उन्हें रोक दिया। और मैं बोले जा रही हूँ, हालांकि मैं व्लॉग बना रही हूँ बोल बोल के, बट बात यह हुई कि मैं तो अब जी टाइम एडिटिंग करा लगी भी टाइम देखिएगा मेरी वॉइस मतलब बंद हो रही थी, तो मैं रिकॉर्डिंग हुई कौन वॉइस की, सिर्फ रिकॉर्डिंग हुई। तो चलो अपना कर लें फ्रिज साफ़। और मैं लग गई हूँ भाई बढ़िया और सर्फ को पानी लेके बिना अंदर 1 किलो कपड़ों ने छोड़ के फिर सूखे कपड़ा। यो देखो एकदम साफ कर दियो। और अब बारी आवेगी शूज रैंक की, कंप्यूटर टेबल की, बाकी सब तो कर दिया। अब भी शूज रैंक ना और कंप्यूटर टेबल ना साफ करनी, तो वो करके भी बाद में ही नहाऊंगी। या लो जी, अब कंप्यूटर टेबल की, कंप्यूटर की, स्पीकर की थाने चमक देख के यहाँ पता चल रहे हो कहीं सफाई कर चुके हैं। हाँ, और आ हो रही है अभी सूज रैंक की हालत ख़राब, तो इनके अंदर सूज देखो के तरीक मतलब पटक रखे हैं, क्योंकि एक महीना गांव आए तो इन उथड़ पुथड़ मचा के इनका वाड़खाना बना रखे है। तो अब इन्हें भी थोड़ा सेट करनी पड़ेगी, यानी कि सफाई के लाके तो फिर थोड़ी थोड़ी करके सारी सफाई कर देवगा। और इन्हें जो है कपड़ा धोना रहा कपड़ा को ढेर लगाती हूँ, जी हाँ जी मतलब सफाई करती जा रही हूँ, तो भाई सारा कपड़ा इनको ऊपर पटकती जा रही हूँ एक जगह रखते हो, तो भाई बाद में सारा धीरे धीरे करके 2 दिनों 3 दिनों वॉश कर रही हूँ। हेलो गाइस, मम्मा सुबह सुबह उठ के, वो भी मुझे नहीं पता कौन सा काम कर रही है, पर सुबह सुबह उठते भाई कौन काम करता है बेटा? ये सुबह सुबह नहीं है, ये इवनिंग में हो चुकी है। आप जब सो के उठे हो ना तब आपको लगती है सुबह सुबह, इवनिंग हो चुकी है, सुबह से लगी हूँ। तो अब इवनिंग हो चुकी है, मम्मा को ये भी नहीं पता कि इवनिंग काम करते हैं तो सजा के करते हैं। ये लो जी गाइज, हमारी शूज रैंक भी हो गई एकदम से क्लीन, और मैं लगा रही हूँ जूते चप्पल सब। तो 3 बॉक्स हैं जिसमें एक बॉक्स में आते हैं 4 जोड़ी, मेरे तो 4 जोड़ी आ जाते हैं, परमजीत जी के 3 जोड़ी ही आ पाती हैं, थोड़ी सी जगह बच जाती है बस, क्योंकि परमजीत जी के जूते वगैरह थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनके 3 जोड़ी आते हैं, मेरे 4 जोड़ी आते हैं, 4 4 8 4। मेरी बात सुनो सब, ये जो भी ये 3 बक्से हैं इनमें 4 चौके बड़े हैं, इसलिए उनको ऊपर रखने पड़ते हैं, फिर बीच के सारे जूते नीचे रखने पड़ते हैं 4 चौके जूते के नीचे। हेलो गाइस, तो चलो थाने मैं दिखा दूँ कि मैं कल केक की शॉपिंग करके लेके आई। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये वाले कर्टन लेके आई थी, जो कि पहले वो वाले थे दूसरे वाले, ठीक है, तो अब ये वाले ले आई मैं, है ना, कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर, ठीक है। ये देखो पहले वो दूसरे वाले थे, तो वो दूसरी साइड लगाऊंगी। हाँ चलिए, अब दिखाती हूँ मैं आपको मेरी साड़ियों का, तो चलो एक बार देखती हूँ, मैं स्टैंड पे लगाती हूँ मोबाइल। देखो ये वाली साड़ी है ना, ये तो मेरे को दिलवाई थी वहीं से, मैं वहीं से ही लगी आई थी रात में से, ठीक है, तो आज मैं बटन में ले आई, लेकिन बाकी मैं क्या करूँ कि मैंने और पसंद हो गया, मेरा सूट सूट लेके आया करूँ सही चीज़, तो ये रात में मैं अपने सूट ही मिला साड़ी का भी मिल जाएगा, तो मैं करोगी आ साड़ी क्यों पसंद आ गई मेरे, तो
मैं आ गई। अब मैंने देखूँ मैंने तैयार करवाऊँगी, आप मेरे पहले किया तो मैं रेडी करवाऊँगी, बंद होगा तब देख लो। बाकी आप बोले थे यहाँ कि पीड़े की साड़ी बेटू वजह पहने करो पैर पर, मैंने बहुत अच्छी लगा तुम्हें पहन के, ठीक है। तो भोज का जब तक मैं करवा चौथ ट्राई पहनूँगी। दूसरी चीज़ ही ये वाली, अभी मैं जो मेरे पापा में पीसा दिया कपड़ा का वहाँ भी ले गया, मैं जुड़ के दिया पापा ले गया। तो माने ये वाला ब्लाउज में रेडीमेड लेके आई जो कि बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा। तो ये वाला ब्लाउज थे बताइए मैं किसी को लगा, ब्लाउज के बाद जो मेरे बहुत अच्छा लग रहा भाई, वो खुद को ब्लाउज है। अब बाकी है बारिश साड़ी, जब बांधूंगी क्योंकि तैयार तो करवाई तो बांधनी है ही, तो मेरा बात नहीं क्योंकि बहुत ही मुश्किल से सिमट रहा और मैं बहुत ही थकरी आ ही गई हमारी शॉपिंग। और बाकी जब मतलब भाभी भी करती ले उमेश भी करती ले, तो उमेश और मैं तो दोनों बनाए एक सेम सेम साड़ी लेके, बाकी और भी साड़ियाँ खरीदी हुई मतलब उमेश का है क्योंकि वो सारों मतलब अलग अलग ही करती हूँ बेटा, मैं तो और के लेके आई बस यही चीज़ लेके आई।